सिटी थाना क्षेत्र के मेल कॉलोनी निवासी एक 38 वर्षीय युवक ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी के फंदे पर झूलकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। घटना की जानकारी के बाद सिटी थाना पुलिस ने राजकीय अमृतकुर अस्पताल की मोर्चरी पहुंचकर परिजनों की ओर से दी गई रिपोर्ट के आधार पर पंचनामा बनाने के बाद शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव अंतिम संस्कार हेतु परिजनों के सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने आत्महत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार मेल कॉलोनी निवासी 38 वर्षीय प्रकाश चंद डाबला पुत्र पूरणमल डाबला ने गुरुवार रात को अपने परिवारजनों के साथ खाना खाने के बाद अपने कमरे में सोने के लिए चला गया। शुक्रवार सुबह जब प्रकाश का भतीजा मनीष उसे चाय पीने के लिए बुलाने गया, उस दौरान उसकी नजर खिड़की से कमरे के अंदर गई तो वह दंग रह गया। अंदर कमरे में प्रकाश पंखे के कुंदे पर फांसी लगाकर झूल रहा था, जिसके बाद मनीष ने शोर मचाना शुरू किया तो घर में मौजूद अन्य सदस्य प्रकाश के कमरे की ओर दौड़े और कमरे का दरवाजा खोलने का प्रयास किया, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद होने के कारण खुला नहीं, जिसके बाद शोर शराबा सुनकर मौके पर पहुंचे आसपास के लोगों की सहायता से कमरे का दरवाजा तोड़कर प्रकाश को फंदे से नीचे उतार कर परिजन उसे राजकीय अमृतकुर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर ड्यूटी डॉक्टर ने उसका स्वास्थ्य परीक्षण करने के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। अस्पताल प्रबंधन ने मृतक के शव को मोर्चरी में रखवाने के बाद सिटी थाना पुलिस को घटना की सूचना दी। सूचना मिलने के बाद सिटी थाने के हेड कांस्टेबल जितेंद्र सिंह मय जाप्ता एकेएच की मोर्चरी पहुंचे था। परिजनों से घटना की जानकारी लेते हुए परिजनों की ओर से दी गई रिपोर्ट के आधार पर पंचनामा बनाने के बाद शव का पोस्टमार्टम कराकर शव अंतिम संस्कार के लिए परिजनों के सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने आत्महत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मृतक प्रकाश चंद डाबला नगर परिषद की कांग्रेस से पूर्व सभापति शांति डाबला का छोटा बेटा होने के चलते जो ही घटना की जानकारी कांग्रेसजनों को लगी तो पूरे कांग्रेस खेमे में शोक की लहर दौड़ गई। परिजनों ने मृतक युवक का नेत्रदान करवाकर दो लोगों हेतु जीवन की नेत्र रोशनी देने का साहसिक कार्य किया। आज सुबह थाने पर मेल कॉलोनी से एक सूचना प्राप्त हुई कि किसी व्यक्ति ने फांसी लगा ली है, जिसका नाम प्रकाश डाबला है। उसको एक केस मोर्चरी में ब्यावर में रखा गया, उसका पोस्टमार्टम कर उसके परिवार को अंतिम दाह संस्कार के लिए सुपुर्द किया गया।